शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब खैरियत क्या हाल है? सलाम भाई। सलाम। लाओ भाई हकीम भाई दवा लाओ। ए तू भी बैठ। चलो अपना अपना कलेक्शन बताओ। ए नंदू भाई धोनी तेरा बता। चल भाई वो मेरा 24,316। नंदू भाई धोनी 24,316। तेरा अभी कोई तकलीफ नहीं है ना? बता। नहीं भाई, वो पुलिस वाले के साथ जब से आपने सेटिंग किया ना तब से एकदम झकास है। अबे सुन, तेरा छोकरा लोग दूसरे के एरिया में लफड़ा काय को करता है? मेरे को तुम लोग आपस में मच नहीं मांगता है? नहीं भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। चले ये बबन सात रास्ता तेरा बता। भाई मेरा 26,412। 26,412 बबन सात रास्ता। भाईजान एक प्रॉब्लम है। अरे बोलना बताना। चल भाईजान वो बीएमसी वाला पैसे बढ़ाने को बोल रहा है। बोलता है पैसा नहीं बढ़ाया तो मेन रोड के सारे खड्डे भर देंगे और ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो भाई। ठीक है संभाल लूंगा मैं, संभाल लूंगा। चले मोइन बांध रहा, तेरा बोल। भाई मेरा 18,350 भाई। कह टाइम से बहुत कम है। ए अफजल समझा इसको, मेरे को भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। कह रहे हैं मोइन तेरा इतना कम क्यों रे? वो क्या है कि भाई बमला हुआ था ना, इसलिए धंधा थोड़ा ठंडा था। लेकिन भाई ब्लास्ट के बाद अपने लड़के बहुत पहले पहुंच गए थे ट्रैक पे। बहुत मेहनत की है भाई, ये देखो। सबके सब मोबाइल लेके आए भाई। सब चालू पीस है? हाँ हाँ भाई, ज्यादा करके कैमरे वाले है। अफजल रू अफजा पिला इसको, ये तो पी के जाना। हाँ हाँ भाई हाँ। चले ये जाफर कालवा देवी अब तेरा बता। चल हाँ भाई ये मेरा 25,000 और कड़िया चिरा बाजार का 24,300। कह रहे है कड़िया किधर है रे? अब वो स्टेशन पे गए, वो कर्नाटक से माल आने वाला है ना। अबे अफजल बोला था ना तेरे को इधर उधर का मत करना करके। लेकिन भाईजान कड़िया बोल रहा था ये लॉट में एक से एक पीस आए ले। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जितने बांग्लादेशी घुसे हैं उनको भी तो सिग्नल पे एडजस्ट करना है। हाँ। भाई वो कड़िया चिरा बाजार नीचे माल लेके आया। अरे उसको बोल एक दो पीस ऊपर लेके आ, जरा भाईजान को मुआयना करा। ए ऊपर ला रे। ए चलो रे, चलो ए जल्दी चलो। ए ए चले। सलाम भाई। क्या हाल है कड़िया? ठीक है भाई। कमाल है। क्या कड़िया माशाल्लाह एक से एक नगीने लेके आया तू तो। बाकी सब भी ऐसे ही है, सिर्फ दो हट्टे कट्टे हाथ पैर कटाने को तैयार है। अफजल फोन कर अग्रवाल डॉक्टर को, बोल दो लेग पीस का ऑर्डर है। हाँ भाई चल निकल। हो चलो चलो तुम लोग निकलो अभी। चलो चलो इन सबको नीचे लेके जा रहे। चल अफजल इन सबको बराबर से हर एरिया में बांट देना, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई। और अंजन एक दो को दरगे के सामने भी बैठा देना। लेकिन भाई इन लोग में से कुछ लोग को तो हिंदी नहीं आती होगी भाई। अल्लाह के नाम पे दे दे बोलने को, कौन सी उर्दू सीखनी पड़ेगी भाई? क्या वो दुबे साहब आए ले? भाई वो एमएलए दुबे आए ले। ठीक है बेटा उसको। और सुन हाँ, कलेक्शन जल्दी खत्म कर और सारे पैसे हवाले वाले के पास पहुंचा दे। हाँ भाई के पास टाइम पे पहुंचना चाहिए। हाँ हाँ भाई। अच्छा भाई सलाम। नहीं भाई बस ठीक है भाई जान, आपको तो पता ही है जो मेरे ऊपर पोटा का केस था वो भी खत्म हो गया है, सारे धंधे लीगल हो गए और पीडब्ल्यूडी में भाईजान फर्स्ट क्लास सेटिंग हो गई है। यहाँ सरकार ने 8-10 फ्लाईओवर का ऑर्डर भी पास कर दिया। आप क्या भाईजान, अब तो बस बैठ कर ही खाना है। काम की बात करो ना दुबे जी। हाँ वो क्या था काम, वो आपको मालूम ही है, वो बांग्लादेशी जो हैं कहीं सिग्नल पे उनको लगाओ ना, क्या इनको काम धंधा नहीं रहेगा तो ये टिकेंगे नहीं। इधर मैं इनके वास्ते शौचालय बना रहा हूँ, जब पेट में खाना ही नहीं रहेगा तो शौचालय बनाने का क्या फ़ायदा। क्या बात है, बहुत पैसे लगा रहे हो। क्या क्या करूँ भाईजान, इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ ना, पैसा तो रोलिंग में रखना ही पड़ता है, पता नहीं कब कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना पड़े। अगले महीने इन सब के राशन कार्ड बनवा रहा हूँ, वोटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। और हाँ कल कोई पेपर में पढ़ा था 180 करोड़ का भिखारियों का बिजनेस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दी। क्या बात है, इनको भी कहीं जमाओ ना भाईजान। बहुत मुश्किल है इस वक्त दुबे जी। मुश्किल और आपके लिए। बात को समझो भाईजान, मेरे को मेरे एरिया में बहुत फायदा है लोग से। हाँ एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा।
आपका तो मजाक करने का कुछ तरीका ही अलग है भाई जान। कार हाँ दे यार, गाड़ी दो मिनट के लिए खड़ी करो, गाड़ी उठा कर ले जाते हैं लोग। अब आदमी गाड़ी को सर पे उठा के घूमेगा क्या? This is ridiculous. ड्राइवर को भी आज ही छुट्टी लेना था। Excuse me, भाई साहब, do you know where they take these cars? Try कालवा देवी पुलिस स्टेशन, ज़्यादा करके वहीं लेकर जाते हैं। Okay, thanks. Can you tell me how to get there? वहाँ से टैक्सी कर लो, टैक्सी वाले को पता होगा। Okay, thank you, भाई। Welcome. बेचारा। Oh shit, shit, shit. मैं अपना बटुआ गाड़ी में ही भूल गया हूँ। Damn it. भाई साहब, this is really embarrassing, लेकिन क्या आप मुझे टैक्सी के लिए 100 रुपये दे सकते हैं? देखिए भाई साहब, आपको तो पता है लोग गाड़ी को कैसे ट्रीट करते हैं, और मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं कोई बात पैसे वापस आपके घर पे पहुँचा। कोई बात नहीं सर, मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज़, आप नंबर मुझे दीजिए। नहीं सर, आई इंसिस्ट, प्लीज़। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज़ देखिए नंबर दीजिए। आप एक काम कीजिए, पैसा रख लीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच भाई साहब। मुंबई बस ऐसा शहर है जहाँ पे लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हाँ इस तरफ से, राइट? थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं यहाँ एक्सप्रेस टावर में इंटरव्यू के लिए आया था। और क्या है ना, यहाँ से मेरा किसी ने पर्स मार लिया, तो क्या आप मेरे को 50 रुपये दे सकते हैं? ताकि चल चल, शेंडी लगाने का धंधा बंद कर, चल जा अलीबाग से आया क्या? एक साल शेंडी लगाने से आला। क्या मालूम यार, ऐसा कंपनी वाले तो बोल रहे हैं। ओ तिवारी, काय रे तिवारी, ये क्या टाइम हो गया है? 8:20 में गाड़ी डेपो से निकली, अभी 9:55 हुए। ए चालनार नहीं, सांगून ठोतो मराठी माणसावर असला अत्याचार चालनार नहीं, समझ रहा? चलना है मिस्टर इंडिया, साला पुट्ठा, समझौता मिल वर्कर्स का फेल होता, झेलना हमको पड़ता है। ए राज दे दे, हमारे जन्म कोटा है, मुंह सच्चाई जिंदगी तरक होगा, अच्छाई बोने का टाइम कोटी मत कर, दे दे। अरे तुम जैसे कितने लोगों को पैसा दूंगा, अभी तुम लोग में से कोई लेके गया? ए सलमा, तू आके गया? मैं तो नहीं आई। स्टुपिडिटी साला, ये बांग्लादेश मारत लोग लाली पाउडर लगा क्या क्या हमारा पैसा मार के जाता है। साला एक दिन हाथ में मिलेगा ना, सचमुच काटेगा। ए राज, अगले टाइम कोई पैसा मांगेगा ना, बंगाली में बात कर, जवाब मिल गया पैसा नहीं देना। ए सलमा चल रहा है। अब इन लोगों के लिए बंगाली सीखूं?